जहाँ पे आप सभी लोग खड़े हैं और जिस पे हाथ आप रखे हैं वो हेयर स्टॉक है। अब आज हम लोग उसी के टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि गियर का, पावर ट्रांसमिशन और टर्मिनल का काम क्या होता है। ये आपका लेथ हेड स्टॉक जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी लोगों को दिख रहा है जी। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो 1, 2 और नीचे एक दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, वो 3 पॉइंट नंबर, तो ये आपका तीनों मिला के टेम्बलर गियर है। तो ये आपका स्पिंडल A1 हो जाएगा, स्पिंडल नीचे वाला A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम तो पीछे देखिए वहाँ पे मोटर लगा है और उस मोटर में आपका पुली लगी हुई है और वी बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो वी बेल्ट है आपका वहाँ से तो ड्राइवर हो गया और यहाँ पे जब आएगा तो ये ड्रिवेन हो जाएगा और ये आपके इस पे अपर गियर फिट किए हुए हैं और ये पावर ट्रांसमिशन एक दूसरे को मैश करके यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देख सकते हैं कि छोटे छोटे आइडलर गियर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये पावर ट्रांसमिशन, ये जो आपका सबसे मोटा वाला दिख रहा है यहाँ पर जो सॉफ्ट है, इसको स्पिंडल बोलते हैं, जो आप यहाँ पर शेष प्लेट के साथ, कैश प्लेट के साथ और सैडल या आप 3 जाचक 4 जाचक यहाँ पर असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये आपका स्पिंडल बना होता है इस पर, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसके अंदर में अगर देखेंगे तो इंटरनल चूड़ी कटी हुई है और इसको हटा जब देंगे तो इसके सॉफ्ट पर एक्सटर्नल चूड़ी कटी हुई है और वो भी टेपर में कटी होती है और यहाँ पर मोस्ट टेपर भी बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अगर बुक के हिसाब से आप चलेंगे तो इन गियरों को जैसे नाम भी दिया गया है, जैसे ये Z1 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा आपका, यहाँ इसी सॉफ्ट में यहाँ पर एक सबसे छोटा गियर होगा इसी सॉफ्ट के इस साइड से कुछ देख रहा है, थोड़ा सा मूव करिए आप, जो इस बड़े गियर को मैश करा रहा है इसके नीचे जस्ट नीचे है वो, ठीक है, पिनियन जैसा है वो इसको मैच करा रहा है। तो यहाँ पर Z1, Z2 और ये Z3 हो जाएगा। फिर नीचे वाले सॉफ्ट की बात करेंगे तो Z7, Z8 और Z9 हो जाएगा और ऊपर की बात करेंगे तो ये 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे स्पिंडल में तो 1, 2 और 3 मतलब 3 टेम्बलर गियर आपके यहाँ पर हैं। अब इनका काम क्या होता है ज़रा ये देख लेते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का। अब बात कर लेते हैं हम इनका काम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये क्या है, नहीं ये क्या है, अब यहाँ पर जो लीवर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हटाइए बात को, यहाँ देख सकते हैं लीवर के नीचे आपका यहाँ पर स्पीड मेंशन किया गया है, A1 है, B1 है, C1 है और D यहाँ पर लिखा हुआ है, E और F मिलाएंगे तो क्या स्पीड बनेगा आपका, रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं और ये पूरा उसका चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, थ्रेड कटिंग का और पूरे आइडलर गियर का पूरा चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर उसको मैच कराने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं FNR लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है और ये और R यहाँ से मैच कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस लीवर के द्वारा हम क्या करते हैं कि गियर को चेंज करते हैं और कौन सा हमें फिट चाहिए, कौन से चाल चाहिए, हम वहाँ पर इसे अपने गति को प्रदान कर लेते हैं। अब इसके बाद से इसकी गियर के साथ हम काम क्या कर सकते हैं देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ आपका होता है लीड स्क्रू और फिड रॉड होता है, ये देख सकते हैं, ये आपका लीड स्क्रू है और फिड रॉड है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, जो आपका ये लंबवत अवस्था में कटी है एक में चूड़ियों के साथ आप कर देख सकते हैं, लीड स्क्रू फिड रॉड यहाँ पर, ठीक है। तो इसको पावर ट्रांसमिट मतलब पावर को सप्लाई मतलब वहाँ से पावर मिलता है और ये दोनों क्या करते हैं कैरिज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, ये देख सकते हैं आपका संपूर्ण ये जो है दिख रहा है ये कैरिज का भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसी तीनों टेम्बलर गियर के साथ, इसी तीनों टेम्बलर गियर के साथ हम राइट हैंड चूड़ी और लेफ्ट हैंड चूड़ी काट सकते हैं, किसके अटैचमेंट के साथ, ये आपका कैरिज जो दिख रहा है उसके साथ कर सकते हैं। यहाँ आपका टूल पोस्ट है, इसमें टूल को बांधेंगे और यहाँ पर सॉफ्ट को लगाएंगे, सॉफ्ट को लगाने के बाद से ऑटोमेटिक फीड प्रदान भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं A गियर B गियर C गियर और तीनों का काम अलग अलग है, यहाँ से स्पीड चेंज करेंगे
लेड स्क्रू फेडरार्ड के साथ एक चला सकते हैं और एक आपका ट्रेवलिंग की तरह चला सकते हैं, और ये आपका दाएं जाएगा और ये आपका बाएं जाएगा, एक राइट साइड में चलेगा और एक लेफ्ट साइड में चलेगा। ये फीड से ही हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब चूड़ियाँ हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल स्लो मोशन कम स्पीड पर कर लेते हैं, और यहाँ पे शाफ्ट को बांध के और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या कार्बाइड ट्रिप्स वाले टूल जो होते हैं यहाँ पर हम लगाते हैं, और वहाँ से आराम से इसको ऑटोमेटिक फिट देते हुए, ये देख सकते हैं एप्रन व्हील है आपका यहाँ पर, ये क्रॉस एप्रन व्हील है आपका, ये कंपाउंड रेस्ट स्लाइड है आपका, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि यहाँ पर एक लॉक नट लगाया जाता है इसको लॉक करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद से टेम्बलर गियर का संपूर्ण बातें कहा जाए तो यही है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, और ये अगर तीनों अपना काम बंद कर देंगे तो आप समझ जाइए हेड स्टॉक के पार्ट में कुछ न कुछ कमियां पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊंगा कि ये जो आप दिख रहे हैं ऐसे स्पेस खांचे, ये आपको क्या है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फीड दीजिए पहले और इसको तो आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से ये काम करती है, कैसे मैच करके चलती है। आप लोग इस टाइम में अगर देखते हैं तो ये गियर ट्रेन है पूरा, ये क्या है आपका गियर ट्रेन है, और यहाँ पर जो सामने दिख रही है इस साइड में ये जो चल रहा है ये आपका कौन सा पुंडी है, बी ग्रुप वाली पुंडी है, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप उसमें लगा है, स्टेप पुंडी उसको बोल सकते हैं, कि हम जिस चाल पे चाहेंगे उस चाल पे हम उसको चला सकते हैं, जिस चाल पे चाहें, ठीक है। चलिए ठीक है।